नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। कोयला तस्करी की जांच कर रही सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला के चार करीबी सहयोगियों जयदेव मंडल, नीरज बरन मंडल, गुरुपद मांझी और नारायण खड़का को केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी सुरक्षा में आसनसोल सीबीआई के विशेष कोर्ट में आज मंगलवार को पेश किया गया, जहां अदालत ने जयदेव मंडल को 4 दिन और नारायण खड़का, गुरुपद मांझी एवं नीरज बरन मंडल को 7 दिनों के सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। इसे लेकर आज अदालत में काफी गहमागहमी का माहौल रहा। चारों आरोपियों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता शिखर कुंडू ने कहा कि वर्ष 2020 में सीबीआई द्वारा उक्त मामला दर्ज किया गया था, जिसे लेकर गिरफ्तारियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुवक्किलों पर सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इसी रेलवे और सीआईएसएफ अधिकारियों के साथ मिलकर वे लोग कोयला तस्करी करते थे। साथ ही धारा 209 हमारे मुवक्किलों पर दर्ज किया गया है, जो धारा सरकारी अधिकारियों पर लगते हैं। चूँकि हमारे मुवक्किल सरकारी अधिकारी नहीं है, इसलिए उन पर ये धारा नहीं लगने चाहिए थे। शेखर कुंडू ने कहा कि हमारे मुवक्किल फिलहाल सही तरीके से विभिन्न व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने पिछले साल 26 नवंबर को अनूप मांझी उर्फ लाला और ईसीएल के 2 जीएम एवं 3 सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ अवैध खनन, चोरी और कोयले की तस्करी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने बाद में इस मामले में देश भर में 30 जगहों पर तलाशी ली। 16 सितंबर इसी साल को उन्होंने सतग्राम के महाप्रबंधक के घर और कार्यालय की तलाशी ली। हालांकि यह पता चला है कि सीबीआई ने लाला की 175 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों से सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने सोमवार को कोलकाता में पूछताछ की, लेकिन उन्होंने सही जवाब नहीं दिया बल्कि तरह तरह की जानकारियाँ छिपा ली। सीबीआई को पहले ही पता चल गया था कि जयदेव देश भर में अनूप मांझी के साथ कोयला कारोबार में साजिशकर्ता के रूप में काम करते हैं। अवैध कोयला खनन, कोयला चोरी और कोयले की तस्करी का नेतृत्व जयदेव मंडल ने ही किया था। वामपंथ सरकार के दौर में किसी भी पुलिस अधिकारी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। यद्यपि उस समय चामुड़िया, रानीगंज, बाराबनी, कुलटी, सलानपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कोयले का स्वतंत्र रूप से अवैध खनन किया जा रहा था। यहाँ के कोयले आसपास के कारखानों और अन्य राज्यों में भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा तृणमूल सरकार के सत्ता में आने के बाद जयदेव मंडल को स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के तत्कालीन उस पदस्थ अधिकारियों में से एक नेतृत्व में एक वाहन में हथियारों के साथ कोलकाता में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने इससे पहले लाला के घनिष्ठ जयदेव मंडल, नारायण खड़का, नीरज बरन मंडल, गुरुपद मांझी के घर पर छापा भी मारा था और वहां से कुछ जानकारी भी एकत्रित की थी। माना जा रहा है कि सीबीआई द्वारा चारों को गिरफ्तार करने के बाद कई प्रभावशाली लोगों और तत्कालीन पुलिस के कई अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। जानकारी के अनुसार चार आरोपियों में से गुरुपद मांझी कोयला तस्करी का मुख्य आरोपी अनूप मांझी के चचेरे भाई हैं और NDPS एक्ट के तहत उन्हें 2 वर्ष की जेल भी हो चुकी है। इसके अलावा ED हिरासत में भी 4 महीने दिल्ली में भी रह चुके हैं। तो क्या मामला हुआ सर? आप लोगों को तो कुछ जानकारी है जो अनूप लाला के ऊपर में एक तो मामला ऑलरेडी ये है। अनूप लाला को सुप्रीम कोर्ट ने एक तो प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दिया है कि उसको अभी हैरेस नहीं करना चाहिए। इसके बाद इस केस में CBI जिसको खिलाफ में शिकायत किया है, इसके अंदर में है अनूप लाला, रेलवे का कुछ अधिकारी, CISF का कुछ आदमी और ECL का कुछ अधिकारी, ये लोगों सब पब्लिक सर्वेंट है। ये पब्लिक सर्वेंट जो है अनूप लाला छोड़, ये लोगों को अभी तक कोई किसी को अरेस्ट नहीं किया। हमको जितना जानकारी है जो उन लोगों को 41 का नोटिस, 160 का नोटिस दिया है और इन्वेस्टिगेशन को फैसिलिट करने के लिए 409 हकीकत में सरकारी कोर्ट पे जो काम करता है उसके ऊपर में होता है। आज जो आसामी लोगों को लाया गया है, ये लोगों कोई सरकारी नौकरी में काम नहीं करता, 409
लागू नहीं होना चाहिए। जो उस लोगों को फॉरवर्डिंग रिपोर्ट मैंने सीबीआई के जो फॉरवर्डिंग रिपोर्ट है उसमें बोला गया है कि लोगों को 7 दिन का उनको सीबीआई के हिफाजत में होना चाहिए, क्योंकि उचित है जो उन लोगों को पूछताछ करके मॉडर्स ऑपरेंडी कैसे करके कोयला का ट्रांजेक्शन होता था की जानकारी के लिए 7 दिन का हिफाजत मांगे। हम लोगों बोले हैं यही कि देखिए उन लोगों को खिलाफ 2015 साल का 16 का कुछ घटना दिया हुआ है, लेकिन ये केस है 2020 का, तो 2020 से उसके बाद हम खुद जानते हैं ये 2020 का कुछ दिन पहले से इन लोगों कोयला का धंधा छोड़ के दूसरा कोई बिजनेस में लगे हुए हैं, कोई ज़मीन पे, कोई आपको पेट्रोल पंप, कोई फिल्म प्रोडक्शन में, ये सब काम उन लोगों कर रहा, लेकिन कभी लोगों कोयला का साथ में कोई ताल्लुक था बोल के उसको लाया और डिजायरेबल आंसर उन लोगों को नहीं मिला है। लगातार लोगों दिया था लेकिन कोई ऐसी कुछ नहीं मिला जिसमें साबित किया जाता है ये ओम लाला का साथ में इनको ताल्लुक है, ऐसी कुछ नहीं। इसीलिए उन लोगों को अपना हिफाजत में लिया। हम लोगों बोले हैं 4 दिन के देने के लिए, सीबीआई 7 दिन के लिए।